नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है। मुझे कोविड हुआ है और मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कोविड का, वो मैं शेयर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी क्या मिस्टेक्स रही या क्या मैंने किया, क्या करना चाहिए, सारा कुछ डिस्कस करने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आप काफ़ी यूज़फुल और वीडियो होने वाला है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी, तो इसे आप देखते रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक्स मैंने क्या करी। मिस्टेक्स ये हम सारे ये मिस्टेक करते हैं। मुझे जब पहला सिम्टम्स आया, कोविड के सिम्टम्स जब मुझे पहले आए, और जब भी कोविड के सिम्टम्स हमारे में आते हैं तो नॉर्मल फ्लू जो होता है, कोल्ड होते हैं, नॉर्मल फ्लू होता है, जो वायरल फीवर होता है, वो सेम सिम्टम्स है। तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि शायद हमें कोल्ड हो गया है या वायरल हो गया है, हमें कोरोना नहीं हुआ है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसको अपने आप को कोरोना हो। तो ये हमारा एक इस जो कोरोना के जो सिम्टम्स है, वो दूसरे जो नॉर्मल कोल्ड के और वायरल फीवर के सिम्टम्स के साथ एक ही हैं। तो मिस्टेक्स मेरी, सबसे बड़ी मिस्टेक्स मेरी क्या हुई कि जब मैं पहले मेरे शरीर में सिम्टम्स आए, मेरे बॉडी में सिम्टम्स आए, तो मैं घर के परिवार के साथ, जो मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरी वाइफ है या मेरे बच्चे हैं, तो उनके साथ में एक साथ बैठ के मैं खाना खा रहा था, एक ही बाथरूम में मैं नहा रहा था, यूज़ कर रहा था। हालांकि मैं आइसोलेट हो गया था, जब से मुझे सिम्टम्स आया तभी उसी दिन से मैं आइसोलेट हो गया था, एक अलग से कमरे में, जिस कमरे में मैं अभी बैठा हूँ इसी कमरे में मैं आइसोलेट हो गया था। लेकिन आइसोलेट हो तो ज़रूर गया था, लेकिन खाना एक साथ बैठ के फैमिली के साथ खाना, तो ये सारे मिस्टेक्स मैंने करी हैं। क्योंकि इस मिस्टेक से क्या होता है, और मैंने टेस्ट भी डिले करवाई, मैं जब मेरे सिम्टम्स आए उसके मैंने 5 दिन बाद टेस्ट करवाया, तो ये मेरी बहुत बड़ी एक मिस्टेक्स है। टेस्ट हमें इमीडिएट कराना चाहिए, अगर मुझे आज सिम्टम्स आ रहा है तो मुझे कल ही टेस्ट करवा लेना है, भले कोरोना हो चाहे ना हो, टेस्ट करा लेना चाहिए। टेस्ट कराने से ये होता है कि बाकी घर के लोगों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे कोरोना है और मैं टेस्ट ना करा के नॉर्मल फ्लू या कोल्ड या वायरल सोच के मैं घर के परिवार के साथ ही एक साथ रहता हूँ, तो उनको भी ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है। तो सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक ये रही कि मैंने इमीडिएट टेस्ट नहीं करवाया, जो कि मुझे इमीडिएट टेस्ट करवाना चाहिए था, और आइसोलेशन, मुझे प्रॉपर आइसोलेशन में मुझे जाना था। तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो अगर बाई चांस आपको भी कभी इस तरीके के अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, वायरल के सिम्टम्स हो, कोल्ड के हो या कोरोना के, ये सिम्टम्स आते हैं, तो अपने आप को आइसोलेट कर ले और इमीडिएट टेस्ट करवाए, और इमीडिएट टेस्ट करके आपकी रिपोर्ट के बेसिस पे आप अपने आपका फर्दर जो ट्रीटमेंट प्लान है वो कर सकते हैं। अगर आप इमीडिएट टेस्ट करवाएंगे तो आपका रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आप डॉक्टर के कंसल्ट के साथ आप अपना फर्दर ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी, और फैमिली से भी आप आइसोलेट रह सकते हैं, फैमिली को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हमसे होती है, जो मिस्टेक मैंने करी। तो मैं चाहता हूँ, मेरे ये एडवाइस आप सबसे है कि आप ये मिस्टेक कभी ना करें। अगर आपको सिम्टम्स है तो आप इमीडिएट टेस्ट करवाइए, फैमिली से आप आइसोलेट हो जाइए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अब मैं बात करता हूँ आइसोलेशन। आइसोलेशन में जो रहना, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कोविड में, जो कि मैं जब आइसोलेशन में, मैं अपने इस कमरे में रहा, अभी फ़िलहाल मैं रह रहा हूँ, आइसोलेशन में ही हूँ फिलहाल भी मैं। तो आइसोलेशन में आप रहे तो आप ध्यान रखें कि आपके कमरे में कोई गलती से भी एंटर ना करे, और हो सके तो दरवाज़ा बंद करके रखें और एक वेंटिलेटेड वाले रूम में ही रहे, कि बाहर का भी आपको एयर आए, हवा आए। तो ऐसे आप कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर आपको बाहर निकलना है, कभी बाथरूम जाना है या कहीं और आपके आइसोलेशन वाले रूम में अटैच टॉयलेट नहीं है, बाहर बाथरूम में भी जाना है, तो आप मास्क पहन के ही जाए, आइसोलेशन में प्रॉपर तरीके से आइसोलेशन की जो रूल्स है वो फॉलो करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली आइसोलेशन नहीं फॉलो करेंगे तो आप घर के दूसरे लोगों को भी हम खतरे में डाल सकते हैं, तो आइसोलेशन हमें प्रॉपर करना है, तो आइसोलेशन का हमेशा ध्यान रखें। अब मैं आपको मेरे अपने सिम्टम्स बताता हूँ। मेरे जो सिम्टम्स थे वो मुझे फीवर था, मेरा बॉडी पेन था, और सर्दी जुकाम कोल्ड मुझे लगी हुई थी। कोल्ड, बॉडी पेन और फीवर, ये सारे चीज़ें मुझे एक साथ ही थी, और मुझे बैक में भी पेन था, बैक में काफ़ी पेन हो रहा था इसके कारण। तो ये मेरे सिम्टम्स थे। अब बात करता हूँ खाने की। खाना मैंने कुछ भी खाया, कुछ भी मतलब
जो घर में बनता है, दाल, राइस, रोटी, सब्जी, जो भी है घर में, जितने भी वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेरियंस भी मंगा के खाया, एग्स डेली, और डेयरी प्रोडक्ट जो होते थे, दूध, दही, क्रीम और भी सारी चीज़ें, नारियल पानी जो कोकोनट वाटर है वो, तो खाने में कोई रेस्ट्रिक्शंस मैंने नहीं करी कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, खाना मैंने सब कुछ खाया। और मैं ये आप लोगों को सबको ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहता हूँ, तो खाना ज़रूर खाइएगा, खाना जो भी है सब कुछ खाइए, आप ये मुझे पसंद नहीं, वो मुझे पसंद नहीं, ये सब ना करें, खाना दबा के खाइए, क्योंकि जितना हम खाएंगे वो बॉडी हमारी उतनी स्ट्रांग होगी और हमारे इम्यून सिस्टम उतना बूस्टअप होगा और कोरोना से लड़ाई करने के लिए हमारा बॉडी जो है वो सक्षम होगा। तो इसलिए जितना हो सके खाना आप खाइएगा, और मैंने भी खाया, अगर आपको बाई चांस कभी आप कोविड कॉम्प्लिकेशन में आते हैं तो आप खाना ज़रूर खाइए, दवा के खाइए, कुछ भी खाइए। मैं और क्या करता था, मैं ऑक्सीमीटर से मैं अपना जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वो मैं चेक करता था, हर चार घंटे में एक बार चेक करता था, कोई एबनॉर्मल है क्या जानने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना में क्या होता है कि जो हमारे ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत सारे पेशेंट में ये देखने को मिला है, तो वो मैं चेक करता था और मैं अपना फीवर भी चेक करता था, तो ये मैं करता था, स्टीम में लेता था, स्टीम में दिन में तीन बार लेता था स्टीम, और मैंने कोई काढ़ा या इस तरीके से मैंने कोई हल्दी दूध मैंने इस तरीके से मैंने कभी नहीं पिया, दूध मैंने ज़रूर पिया लेकिन हल्दी नहीं डाला, मैंने ऐसे नॉर्मल गर्म दूध पिया। तो इस तरीके से तीन चार दिन बाद मेरे जो बुखार और बॉडी पेन ये सारा कम हो गया, उसके बाद मुझे धीरे धीरे उसके बाद मैं अभी रिकवरी में हूँ, और आज मुझे ये 9 दिन हो गया मेरा आज ये कोरोना से मैं लड़ रहा हूँ, तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और मेरे जो सिम्टम्स थे वो सारे सिम्टम्स मेरे अभी लगभग 80% ठीक हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने कोरोना से जंग जीत ली है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है, हमें कोई भी नेगेटिव बात कोविड के ऊपर, कोरोना के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, स्ट्रेस हमें एकदम नहीं लेना है, नेगेटिव बातें नहीं करनी है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखनी है। अगर हम आपको टाइम पास करना है तो मोबाइल आप देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आइसोलेशन में है तो आपको मोबाइल तो देखेगा ही देखेगा आप, तो आप सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ से देखिए, कॉमेडी शोज देखिए या इस तरीके से देखिए, नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है, स्ट्रेस हमारे बॉडी में एकदम ना आए, हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट, हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस आएगा तो आपको नेगेटिव रिएक्शन हो जाता है सारा कुछ, तो ये हमें एकदम से ध्यान रखना है। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, सब कुछ हमें पॉजिटिव ही करनी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान रखें, और मैंने भी जो ध्यान रखा था, तो नेगेटिविटी से हमें दूर दूर तक कोई बातें नहीं करनी है, नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज 9 दिन हो चुके हैं मैं कोविड-19 से अफेक्टेड हूँ, और मैं काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, मेरा 80-90% मेरे इम्प्रूवमेंट है। तो ये जो मेरा कोविड-19 का एक्सपीरियंस है, ये इसे शेयर करने के लिए मैंने ये आपके साथ एक साथ आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ये बताने के लिए, या मैंने मिस्टेक क्या करी ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाया, और मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और मुझे पक्का यकीन है कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई ज़रूर एक पॉजिटिव जानकारी मिलेगी। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।